अस्सलाम वालेकुम। आज है मंडे। मंडे के दिन हम करेंगे वर्कआउट चेस्ट का। चेस्ट के वर्कआउट करने से पहले हम हमेशा की तरह मैं बताता हूँ, आप बॉडी को अच्छे से वार्म करें। बॉडी को अच्छे से वार्म करने के लिए हम बटरफ्लाई के वन सेट करेंगे, उसके 20 रैप्स करेंगे और 4 प्लेट्स पे करेंगे। ज्यादा हैवी वेट करके अपने वार्म अप नहीं करना, लाइट वेट पे 20 रैप्स करना है। चले शाबाश, 20 रैप्स करें। जब हमारे 20 रैप्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। आज जो हम जब फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे वो करेंगे हम सिटिंग बेंच प्रेस। काफ़ी जिमों में डिफरेंट इक्विपमेंट्स है, जैसे कि दूसरे जिमों में, किसी जिमों में हैमर मशीन होगी, उसके ऊपर आपने 20 केजी की दोनों साइड पे प्लेट डाल लेनी है। अगर तो आपके जिम में मशीन ऐसी है तो उसके आपने 8 प्लेट्स डाल लेनी है और दोनों का एंगल सेम ही है। आपने ऊपर से इसे क्लोज ग्रिप करना है और बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, बॉडी को आप लिफ्ट रखना है और आपने इसको स्ट्रेट लिफ्ट करना है, पुश करना है इसको, ठीक है। इसके हम करेंगे 15 रैप्स करेंगे। उसके बाद अगर आपकी हैमर है तो आप उसके अंदर 10 प्लेट डालेंगे, मशीन है, और इसके बाद आप उसकी 2 प्लेट्स इंक्रीज करके इसके 12 रैप्स करेंगे। जब आपके 12 रैप्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद फिर हम 1 प्लेट इंक्रीज करेंगे, हम इसके करेंगे 10 रैप्स। जिनकी हैमर मशीन है वो उसके ऊपर 5 प्लेट डाल के उसके 10 रैप्स करेंगे, तो टोटल हमारे 3 सेट्स कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, अब हम करेंगे अपना सेकंड वर्कआउट। सेकंड वर्कआउट में हम करेंगे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई पे आपने 8 प्लेट डालनी है और आपने उसको नॉर्मल रेंज पे रखना है। जो आपकी जो ग्रिप होगी वो आपकी शोल्डर से थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी, ठीक है। आपने सीट को थोड़ा ऊपर करना है और जो आपकी जो ग्रिप होगी वो शोल्डर से नीचे होगी। पकड़ें, अच्छा, अपने हैंड्स को आपने स्ट्रेट नहीं करना, थोड़ा सा बेंड रखना है। बेंड करके आपने इसको स्क्वीज करना है चेस्ट को। बैक जो होगी वो बिल्कुल पीछे आपकी सपोर्ट के साथ चिपकी होगी। इसके नहीं, थोड़ा बेंड करें, थोड़ा एल्बो बेंड करें, यस। अच्छा, इसके आपने पहले सेट की 15 रैप्स करने हैं, उसके बाद फिर आपने 2 प्लेट्स इंक्रीज करनी है, 12 रैप्स करने हैं, फिर आपने 1 प्लेट इंक्रीज करनी है, उसके 10 रैप्स करने हैं। अच्छा, लगाना स्लो है, मसल्स को टेंशन रख के आपने उस मसल्स को स्क्वीज करके लगाना है। चलें, अच्छा, अब हम करेंगे क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर में हम लगाएंगे 3 प्लेट्स उसके ऐड करेंगे और अब हम इसको नीचे की तरफ पुश करेंगे। कुछ लोग आगे की तरफ लगाते हैं, वो एक्सरसाइज नहीं करनी आज हमने बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होना है, 90 के एंगल पे स्ट्रेट खड़े होना है। लगाएं 90 के एंगल स्ट्रेट खड़े होके और बाजू को ऐसे एल्बो ऊपर की तरफ जाएंगी। ये इस तरह आपने अपनी बॉडी को इसकी फॉर्म लगानी है, ठीक है। इसके हम करेंगे 10 रैप्स। इसके बाद थ्री प्लेट्स के बाद 1 प्लेट ऐड करेंगे, फिर 10 रैप्स करेंगे, फिर हम 1 प्लेट ऐड करेंगे, 10 रैप्स करेंगे। पोस्चर पोजीशन आपकी ये सेम होगी, जब ऊपर जाना है आपकी एल्बो जाएगी, आपके फोरआर्म अंदर की तरफ होंगे। ये देखें, जैसे सेम ऐसे ही लगाना है। मैं बार बार कहूँगा ये फॉर्म को देख के आपने सेम एक्यूरेट इसी तरह लगाना है आपने, क्योंकि आप जो चेस्ट की जो राउंडनेस है वो इसी एंगल पे होगी। चलें, करेंगे अपना फोर्थ वर्कआउट। आपने इसको 17 की रेंज पे ले आना है, 14 की, जितने आपके शोल्डर्स हैं आपने उसको वैसे ले आना है, ठीक है। अब हम करेंगे इसके बटरफ्लाई, सेम जैसे हमने वो बटरफ्लाई किया था सेम ऐसे करेंगे, बट हम इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ करेंगे, इसको नीचे ये यहाँ पे, ताकि जो हमारी जो लोअर चेस्ट है इसको हमने हिट करना है आज, सेम एज इट इज। इसके आपने 3 प्लेट्स डाल के इसके आपने 15 रैप्स करने हैं, फिर हमने 1 प्लेट ऐड करनी है, 12 रैप्स करने हैं, फिर हमने 1 प्लेट ऐड करनी है, उसके 10 रैप्स करने हैं। थोड़ा सा आगे बेंड होना है और ये आप थोड़ा सा फ्रंट पे आएंगे, ये चीज़, ये हमारी फोर्थ एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब हम जाएंगे फिफ्थ एक्सरसाइज की तरफ। चलें, अच्छा, अब हम करेंगे पैलेट डिप्स। पैलेट डिप्स में हम लगाएंगे 10 रैप्स। इसको कैसे लगाएंगे, ये सेम ऊपर जाके आपने इसको वन सेकेंड इसको स्क्वीज करके रखना है। जितना स्क्वीज करेंगे मसल उतने डेवलप होंगे, सेम एज इट इज। अगर आपसे 10 रैप्स नहीं लगते तो आप मैक्सिमम 8 रैप्स लगा लें, वो भी गुड है। आपने इसके 3 सेट्स करने हैं। जब हमारे ये 3 सेट्स कंप्लीट हो जाएंगे अब हम करेंगे अपनी कोर की एक्सरसाइज। कोर की एक्सरसाइज में हम करेंगे हैंगिंग लेग रेस करेंगे, ये इसके हम 15 रैप्स करेंगे। ये आपकी रेंज ऑफ मोशन होगा, आपकी लेग्स का ज़्यादा नीचे नहीं जाना ना ज़्यादा ऊपर आना है। कोर को एक्टिव रख के इसके आपने 15 रैप्स करने हैं और 3 सेट्स करने हैं। जब हमारे इसके 3 सेट्स कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम जाएंगे अपने नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ। अब हम करेंगे अपना सेकंड वर्कआउट। सेकंड वर्कआउट करेंगे डंबल सेट। डंबल से हम 20-20 के 3 सेट लगाएंगे, ठीक है। ऑल द वे डाउन जाएंगे, ऑल द वे अप आएंगे। इसके हम 3 सेट्स कंप्लीट करेंगे और इसके साथ जब हम अपने ये वर्कआउट 3 सेट्स कर लेंगे 20-20 के, फिर हम जाएंगे लेग रेस ट्रेडमिल की तरफ। ट्रेडमिल में हम 3 मिनट्स रनिंग करेंगे। इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।